दोस्तों, आज के दौर में यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे पुराने धर्मों में की जाती है। साथ ही साथ यहूदी धर्म दुनिया के उन तीन धर्मों की लिस्ट में भी शामिल है कि जिनको आसमानी धर्म कहा जाता है। यहूदियों के साथ इन तीन धर्मों की लिस्ट में ईसाई और इस्लाम भी शामिल है, क्योंकि ये तीनों ही धर्म ना सिर्फ एक ही खुदा पर यकीन रखते हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें इन तीनों धर्मों में कॉमन पाई जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अगर यहूदी धर्म में किसी इंसान की मौत हो जाती है, यानी अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है, यानी उस इंसान को किस तरह से दफनाया जाता है, और दफनाने से पहले भी उसके साथ कौन कौन सी रस्में अदा की जाती है। मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग यहूदी धर्म से रिलेटेड बहुत सारे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह यहूदी धर्म भी मौत को लाजिम समझता है, यानी हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ये यहूदियों का ईमान है। लेकिन किसी भी इंसान के मर जाने के बाद इस्लाम धर्म की तरह यहूदी धर्म में भी मातम करना जायज नहीं है। यही वजह है कि जब कभी भी यहूदी लोगों के किसी अपने प्यारे की मौत हो जाती है, तो वो इसको अपने खुदा का फैसला मानकर खामोश बैठ जाते हैं। यहूदी धर्म में जब किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, तो सबसे पहले उसकी आंखों को बंद करके उसको एक फर्श पर लिटा दिया जाता है और सफ़ेद कपड़े के जरिए से उसकी लाश को ढक दिया जाता है। इसके अलावा यहूदी लोग अपने प्यारे की लाश को एहतरामन कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ पास में ही बैठे हुए लोगों को खाने पीने की भी इजाज़त नहीं होती है। यहाँ तक कि यहूदी धर्म में आप मरे हुए इंसान की लाश के पास बैठकर पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि मरा हुआ इंसान खाने पीने जैसा कोई भी काम नहीं कर सकता है। और अगर आप अपने प्यारे की लाश के पास बैठकर ऐसा काम करेंगे कि जो आपका प्यारा नहीं कर सकता है, तो यकीनन मरे हुए इंसान को तकलीफ होगी। प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर यहूदी बिरादरियों में एक खास ग्रुप मौजूद होता है जिसको शीरवा कादिशा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मुकद्दस लोग। इस ग्रुप की जिम्मेदारी ये होती है कि जब कभी भी इनकी बिरादरी में किसी यहूदी इंसान की मौत हो जाए, तो ये लोग ना सिर्फ उसकी लाश को दफनाते हैं, बल्कि दफनाने से पहले सारी रस्मों को भी अदा करते हैं। यानी दोस्तों, यहूदी धर्म में आमतौर पर किसी इंसान के मर जाने के बाद उसके रिश्तेदार या उसके ख़ानदान वाले उसको नहीं दफनाते हैं और ना ही दफनाने से पहले की रस्मों को अदा करते हैं, बल्कि इस काम की जिम्मेदारी उस खास ग्रुप की होती है जिसका अभी हमने आपसे जिक्र किया। और उस ग्रुप को यहूदी धर्म में बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि जाहिर है कि ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जो इनके बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में यहूदी धर्म के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि यहूदी लोग अपने मुर्दा को खड़ा दफनाते हैं, यानी मुसलमानों की तरह यहूदी लोग कब्र में अपने मुर्दे को लिटाते नहीं हैं, बल्कि सीधा खड़ा करके दफना देते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा आपको जानकर शायद हैरानी हो कि यहूदी धर्म में मुर्दे को छूना रूहानी तौर पर नापाकी समझा जाता है। यही वजह है कि अगर कोई यहूदी इंसान किसी मुर्दे को छू लेता है, तो उसके लिए नहाना या कम से कम हाथ पैर धोना तो ज़रूरी होता है। और इसी वजह से ही जिस कमरे में जिस जगह पर लाश रखी हो, उस जगह पर कोहन को जाने की इजाज़त नहीं होती है। आपको बताते चले कि जिस तरह से मुसलमानों में उलमा और ईसाइयों में पादरी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही यहूदियों में कोहन होते हैं। यहूदी धर्म में मुर्दे को जब एक बार कफन पहना दिया जाता है, तो उसके बाद कफन या ताबूत खोलने की इजाज़त नहीं होती है, ताकि मरने वाले इंसान के दुश्मन उसको इस बेबसी की हालत में ना देख सके। मुर्दे के ऊपर सफ़ेद रंग की एक चादर डाली जाती है, जिसको तालीद कहा जाता है। आपको बताते चले कि दुनिया के इकलौते यहूदी देश यानी इसराइल में ताबूत का रिवाज ख़त्म हो चुका है, और अगर ताबूत का इस्तेमाल किया भी जाता है, तो उसमें कुछ होल यानी सुराख छोड़ दिए जाते हैं, ताकि मरने वाले को ऊपर की मिट्टी के साथ रिश्ता बरकरार रह सके। यहूदी धर्म में एक मशहूर रस्म ये भी है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो उसको दफनाते वक्त उसका कोई
सबसे करीबी रिश्तेदार यानी बाप बेटा भाई एक हाथ में मुट्ठी भर के मट्टी लेकर उसे कफन में डाल देता है, क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि मरने के बाद इंसान की पूरी बॉडी मट्टी में मिल जाती है। इसीलिए जरूरी है कि कम से कम थोड़ी सी मिट्टी उसके कफन में उसका कोई करीबी रिश्तेदार जरूर डाले। दोस्तों, यहूदी धर्म में लाश को हुनूद करना या फिर लाश को जलाना नाजायज समझा जाता है, यानी यहूदी हर हाल में अपने मरने वाले इंसान को दफनाते ही है। इसके अलावा यहूदी धर्म में किसी इंसान के मरने के बाद उसकी लाश को जितना जल्दी मिट्टी में दफना दिया जाए उतना ही बेहतर है। आप लोग अगर यहूदियों के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमेशा से ही यहूदी लोग किसी भी इंसान की मौत के बाद उसे फौरन ही दफना दिया करते थे। इसके पीछे कई वजह थी। एक वजह तो ये थी कि मिडल ईस्ट की खतरनाक गर्मी की वजह से उन लोगों को ये डर सताता था कि कहीं हमारी लाश सड़ ना जाए। इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि क्योंकि यहूदी लोगों का ये मानना था कि अगर वो मरने के बाद किसी इंसान को जल्दी नहीं दफनाएंगे तो मानो वो उसके घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मरे हुए इंसान को जल्दी से जल्दी दफनाने की इस रस्म को फॉलो करने की वजह से यहूदियों के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब जिंदा लोगों को ही मुर्दा समझकर दफना दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने तो कब्र में ही दम तोड़ दिया, जबकि बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद अपनी कब्र से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, 17वीं और 18वीं सदी में कुछ यहूदियों ने इस बड़ी परेशानी का हल इस तरह से निकाला कि उन लोगों ने एक नई तरीके का ताबूत बनाया, जिस ताबूत के बाहरी साइड में एक घंटी लगी हुआ करती थी और उस घंटी की रस्सी ताबूत के अंदर मौजूद हुआ करती थी। यानी उस ताबूत को जब मट्टी के अंदर दफनाया जाता था तो वो ताबूत मट्टी के अंदर चला जाया करता था, लेकिन उसकी घंटी ऊपर होने की वजह से बाहर ही रह जाया करती थी। और अगर कभी इत्तेफाक से कोई जिंदा इंसान उस ताबूत में दफन हो जाया करता था तो वो अंदर मौजूद रस्सी को हिलाकर घंटी बजाकर लोगों को इस बात की खबर दे दिया करता था कि वो कब्र के अंदर जिंदा मौजूद है। आपको बताते चले कि इस तरह की कब्रें आज भी यूरोप में देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग किप्पा को तो जानते ही होंगे। किप्पा उस टोपी को कहा जाता है कि जो यहूदी लोग इबादत करते वक्त या फिर अपना कोई और मजहबी काम करते वक्त अपने सर पर ओढ़ते हैं। जब किसी इंसान की यहूदी धर्म में मौत हो जाती है तो उसको दफनाते वक्त इसी किप्पा को या तो उसके सर पर उड़ा दिया जाता है या फिर उसके सीने पर रख दिया जाता है। यहूदी धर्म में अपने प्यारों की कब्रों पर छोटे छोटे गोल और चिकने पत्थर रखने की रस्म भी बहुत आम है। शुरू शुरू में तो यहूदी लोग इन पत्थरों को बहुत सारे तालाबों और नदियों के किनारे से ढूंढा करते थे, लेकिन आज के दौर में ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के कब्र पर रखे जाने वाले ये पत्थर बेचती रहती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल नूरे हदीस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।